Hey everyone, welcome to my YouTube channel Banker 7 and my name is Preeti Tiwari. In this video, I am going to tell you how to solve mains level puzzle for all banking exams. So stay tuned till the end of this video. Let's start the video. हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पर लगा दिया, वहां से रीड कर लीजिए। तब तक हम इंग्लिश में करते हैं रीड ना। टू शेल्फ्स वर केप्ट इन अ रूम सच दैट शेल्फ वन वाज केप्ट टू द लेफ्ट ऑफ शेल्फ टू। अच्छा, शेल्फ वन जो है ना वो किसके लेफ्ट में है? शेल्फ वन लेफ्ट में है किसके? शेल्फ टू में, ठीक है, टू के लेफ्ट में, ठीक है। सिक्स रैक्स हैं, सिक्स रैक्स है उसमें। ये फ्लैट एंड फ्लोर टाइप की पजल है। सिक्स रैक्स है मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स रैक्स हो गए, ठीक है, ठीक है। स्टूडेंट फ्रॉम क्लास वन टू ट्वेल्व कैप देयर बैग्स ऑन दिस रैक। अच्छा, स्टूडेंट्स हैं कुछ, ठीक है, उन्होंने ना वन टू ट्वेल्व क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, ठीक है, मतलब कि ट्वेल्व स्टूडेंट्स हैं क्लास वन टू ट्वेल्व से लेकर, और उन्होंने अपने बैग जो है ना इन रैक्स में रख दिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड नाइन टेन। मतलब ऐसे नहीं इस ऑर्डर में नहीं रखे, मतलब जगह जगह अलग अलग बैग्स रख रखे हैं, किसी में ट्वेल्व का किसी में वन का, ठीक है। आगे आगे अभी हम पजल सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा, और यहाँ उनके नेम्स आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ उनके जो भी क्लास में होंगे यहाँ नेम्स, और जो जिस क्लास में होंगे वो क्लास, ठीक है। नोट करके क्या बोला है? दिस बैग वाज केप्ट अबव बिलो अबव या बिलो दिस बैग, दिस मीन्स बोथ देयर बैग्स वर ऑन द सेम शेल्फ। अच्छा देखो ऐसा बोला है कि ना जैसे हमने वन बना दिया और ये शेल्फ हमारा टू है, ये शेल्फ है, ठीक है, इसे क्लास मत समझ लेना यार, एक तुम शेल्फ की क्या समझ देखो। शेल्फ वन शेल्फ टू, ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जैसे कि ना अगर डी का बैग जो है ना, अगर बोला मैंने अबव बी है तो डी और बी जो है ना सेम ही रैक में रहेंगे, ठीक है, अगर डी इसमें है तो बी भी इसमें रहेगा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि डी यहाँ है और बी यहाँ है, अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, एक ही रैक में रहेंगे, एक ही मतलब एक ही शेल्फ में रहेंगे, ठीक है। एस बैग वाज केप्ट बिटवीन पी एंड आर मींस ऑल थ्री बैग्स वर ऑन द सेम शेल्फ, ठीक है। आगे देखते हैं, रॉनिथ हु वाज इन क्लास फिफ्थ केप्ट हिज बैग फोर रैक्स अबव सम्राट्स बैग। गुंजन्स बैग वाज केप्ट अबव हिमेश बैग। देखो गुंजन बैग जो है ना हिमेश के ऊपर है, तो मतलब अगर हिमेश का इसमें रखा है तो गुंजन भी इसी शेल्फ में आएगी, और अगर यहाँ है हिमेश का तो गुंजन भी यहाँ ही कहीं ऊपर आएगी इसी शेल्फ में, ठीक है, यहाँ नहीं जा सकते। कुंदन वाज जूनियर, कुंदन वाज जूनियर देन गुंजन। सौरभ बैग्स वाज केप्ट इमीडिएट बिलो नरेश बैग्स। नरेश बैग स्टूडेंट इन क्लास वन कैप्ट इज बैग थ्री रैक्स बिलो नरेश बैग। सीनियर मोर स्टूडेंट अमंग देम कैप्ट इज बैग इन शेल्फ वन, ठीक है, सॉरी। फोर बैग्स वर कैप्ट बिटवीन मुकेश बैग एंड कुंदन्स बैग। स्टूडेंट ऑफ क्लास इलेवन कैप्ट इज बैग एट द टॉप एंड इमीजिएट अबव द बैग ऑफ स्टूडेंट इन क्लास टेंथ। वविश कैप्ट इज बैग इन शेल्फ टू। टू बैग्स वर केप्ट बिटवीन मुकेश एंड रजनीश बैग। मुकेश एंड रजनीश, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री कैप्ट हिज बैग इमीडिएट अबव कुंदन्स बैग। वविश बैग्स वाज केप्ट बिटवीन केप्ट टू रैक्स अबव द रैक ऑन व्हिच स्टूडेंट फ्रॉम क्लास सेवन कैप्ट हिज बैग। कैलाश बैग वाज केप्ट टू रैक अबव नरेश बैग। स्टूडेंट ऑफ क्लास टू केप्ट हिज बैग ऑन द रैक व्हिच वाज इमीडिएट अबव द रैक ऑन व्हिच द स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर केप्ट हिज बैग। फोर बैग्स वर केप्ट अबव द बैग ऑफ संतोष हु वाज इन क्लास नाइन्थ। बहुत ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट नहीं होगी ये? कोई बात नहीं, मेंस की है तो बड़ी होगी ना, और इसमें तो बनेगी नहीं मेंस की पजल, मेंस की पजल ना कॉपी में बनेगी। चलो कोई बात नहीं,
बार रीड कर लो आप। बनाए ठीक है, बनाते हैं। दिख रहा है ठीक है, चलो कोई बात नहीं, एक एक स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करेंगे और ध्यान से समझेंगे, ठीक है? आपको सब क्लियर हो जाएगा, बस आप समझते जाना। देखो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है हमारी, इसमें बना देते हैं शेल्फ वन, ठीक है, फ्लैट एंड फ्लोर टाइप है, और ये है हमारा शेल्फ टू। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ये हो गया हमारा एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, इसमें हमारे जो है ना बैग्स आ जाएंगे, बैग्स, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे जो है बैग्स की जगह है, यहाँ हमारे नेम्स आ जाएंगे, यहाँ बैग्स, ठीक है। और दो तो मिनिमम पॉसिबिलिटीज जब हम प्री में बनाते हैं, तो मेंस में तो बनाएंगे ही, दो बने तो दो बनाएंगे, तीन बने तो तीन, चार तो चार, पांच तो पांच, ठीक है, जितनी मेंस में बने बनाएंगे, ठीक है। यहाँ शेल्फ वन, यहाँ शेल्फ टू, ये ना हम रफ के लिए छोड़ देते हैं जगह, ठीक है, और एट, ओहो चलो कोई बात नहीं, ठीक है। देखो सिक्स रैक्स बन गए ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, और बैग्स के लिए ये जगह होगी हमारी बैग्स, ठीक है। रोनित जो है फिफ्थ क्लास में है और फोर रैक्स अबव सम्राट पे, ठीक है, यहाँ लिखते रहेगा एक एक कंडीशन। रौनिक जो है ना फिफ्थ क्लास में है और सम्राट के फोर बैग ऊपर से, ठीक है, तो सम्राट अगर यहाँ है हमारा तो वन टू थ्री, यहाँ रौनिक, एक कंडीशन हमें ये मिलेगी, ठीक है, नोट करके कर लिख लो इसमें, ठीक है, नोट है ये हमारे सारे जो हमें काम आएंगे, ठीक है। गुंजन बैग वॉज कैप्ट अबव हिमेश, ठीक है, ये इसको बाद में देखते हैं। कुंदन वॉज जूनियर देन गुंजन, इसे भी। सौरभ बैग्स वॉज कैप्ट इमिजिएटली बिलो नरेश, अच्छा। स्टूडेंट इन क्लास वन कैप्ट इज बैग थ्री बिलो, थ्री रैक बिलो नरेश, अच्छा, नरेश से देखो दो कंडीशन मिल रही है, नरेश वाला बनाएंगे। स्टूडेंट इन क्लास वन कैप्ट इज बैग थ्री रैक बिलो नरेश, अच्छा, तो नरेश के नीचे जिसका भी फर्स्ट क्लास में है ना, जिसका भी बैग, ये मत, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है, वन टू थ्री यहाँ है, तो फर्स्ट क्लास का जो है ऐसे बनेगी, क्या बोला है, स्टूडेंट इन क्लास वन इज कैप्ट कैप्ट इज बैग थ्री रैक्स बिलो नरेश, तो वन टू थ्री यहाँ है। और देखो और क्या होता है, सौरभ बैग वॉज कैप्ट बिलो इमिजिएटली बिलो नरेश, तो सौरभ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सौरभ कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, एक कंडीशन ये बन गई हमारी। आगे देखते हैं, सीनियर मोस्ट स्टूडेंट अमंग देम कैप्ट इज बैग इन शेल्फ वन, अच्छा, सीनियर मोस्ट कौन होएगा, जो ट्वेल्थ क्लास में होगा वही सीनियर मोस्ट होगा, वो शेल्फ वन में है, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है, ठीक है, शेल्फ वन में दिख रहा है, ठीक है, चलो एक ये कंडीशन भी हमें मिल गई ना, नरेश सौरभ वाली। और क्या बोल रहे हैं, फोर बैग है मुकेश और कुंदन के बीच में, अच्छा चलो यहाँ बना देते हैं, मुकेश और कुंदन के बीच में फोर बैग हैं, तो ठीक है, रीड करते हैं उसके बाद देखते हैं, क्योंकि मुकेश कुंदन के बीच में, मुकेश ऊपर आ सकता है और एक बार नीचे भी आ सकता है, देखते हैं, वेट इसे बनाते हैं अभी। और क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास इलेवेंथ कैप्ट हिज बैग एट द टॉप एंड इमीडिएट अबव द बैग ऑफ स्टूडेंट इन क्लास टेंथ, अच्छा मतलब ना इलेवेंथ वाले जो हैं टॉप में आएंगे, जिनके जो भी इलेवेंथ क्लास में है, इलेवेंथ के नीचे जो है ना जस्ट वो टेंथ आएगा। ये बोल रहे स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 कैप्ट हिज बैग एट द टॉप एंड इमीडिएट अबव, इमीडिएट अबव किसके हैं, 10 में, टॉप में है और इमीडिएट अबव है 10th के, या तो फिर शेल्फ 1 में 11 10 ऐसे आएगा, या तो 11 और 10 ऐसे आएगा, इसे भी होल्ड पे रखते हैं, ये 11 और 10 वाली कंडीशन जो है ना वो फिट कर लेंगे बाद में, 11 10 और ये टॉप में आएगा, ऐसे ऐसे देख लेते हैं, ठीक है, ये कंडीशन, ठीक है।
आगे क्या बोल रहे हैं, वावेश कैप्ट इज बैग इन सेल्फ टू, ठीक है। टू बैग्स वर कैप्ट बिटवीन मुकेश एंड रजनीश, अच्छा मुकेश और रजनीश के बीच में दो बैग हैं। और क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री कैप्ट इज बैग इमिजिएट अबव कुंदन, अच्छा देखो मुकेश और कुंदन के बीच में ये हमें पता है कि चार बैग हैं, तो मुकेश यहाँ एक दो तीन चार, कुंदन यहाँ, और या तो फिर एक कंडीशन ये भी बन सकती है, मैं यहाँ ही बना रही हूँ, कुंदन यहाँ हो सकता है और 1 2 3 4 मुकेश यहाँ हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ना ये चीज। देखो हमने यहाँ तक किया था, इतना हमने सॉल्व कर लिया था ना, मुकेश और कुंदन तक, ठीक है। और आपको ये स्टेटमेंट्स तो समझ आ गई ना। देखो हम ना ऐसे कर सकते हैं, देखो एक बार मैं रीड करती हूँ, एक तो हमारे पास ये हिंट है, ठीक है, दूसरा ये है और तीसरा हमारा ये है, ठीक है। देखो ये जो स्टेटमेंट है एक मुकेश और कुंदन वाली की, मुकेश ये मैं रीड करती हूँ कि फोर बैग्स हैं मुकेश और कुंदन के बीच में, ठीक है। उसके बाद फोर बैग्स हमने रख दिए 1 2 3 4, मतलब मुकेश और कुंदन के बीच में फोर बैग्स है, तो कुंदन ऊपर भी आ सकता है नीचे भी आ सकता है, ठीक है। चलो उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं, टू बैग्स हैं मुकेश और रजनीश के बीच में, ठीक है ये भी हम रख देंगे। और देखो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये तो दो कंडीशन बन रहे हैं ना, मुकेश ऊपर या मुकेश नीचे, कुंदन ऊपर या कुंदन नीचे। तो ये देखो एक इसमें लिखा है स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री केप्ट हिज बैग इमीडिएट अबव कुंदन्स बैग। देखो मैं इसमें समझाती हूँ आपको ये वाली कंडीशन जो है मुकेश और कुंदन वाली, एक बार देखो मुकेश या तो फिर कुंदन, है ना, चार है इनके बीच में 1 2 3 4, और यहाँ पर आ जाएगा कुंदन और या तो फिर मुकेश, ठीक है। अब क्या बोला है, कुंदन के जस्ट ऊपर ना जो भी है उसके क्लास थ्री में है, मतलब वो ठीक है क्लास थ्री में है, तो ऐसे होगा, और ये इसके जस्ट ऊपर कुंदन के, तो एक कंडीशन ये बनेगी एक कंडीशन ये बनेगी। तो देखो हमारे पास टोटल जो शेल्फ है वो कितने हैं, मतलब टू है और इसमें एक शेल्फ में सिक्स है ना, बता रखा था, तो 1 2 3 4 5 6 सिक्स ही है। तो देखो अगर हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे तो इसमें तो 1 2 3 4 5 6 सेवन बॉक्सेस बन रहे, तो सेवन तो है ही नहीं हमारे पास, तो टोटल कितने हैं, सिक्स ही है। इसका मतलब हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, आया समझ, आया समझ कैसे हुआ, ठीक है। हाँ देखो तो ये क्या करते हैं, ये वाली एज इट इज ही रख देते हैं, मुकेश अब हमें पता लग गया डेफिनेट में कि मुकेश ऊपर आएगा और कुंदन नीचे, तो एक जगह मुकेश और कुंदन को सेल्फ वन में रख देते हैं और एक जगह सेल्फ टू में, ये पॉसिबिलिटी वन है हमारी, ये पॉसिबिलिटी टू है हमारी, ठीक है। तो मुकेश 1 2 3 4 कुंदन, ठीक है, और एक जगह यहाँ पर रख देते हैं मुकेश और 1 2 3 4 कुंदन। कुंदन को ऊपर क्यों नहीं रखा, क्योंकि कुंदन के जस्ट ऊपर हमें थ्री चाहिए, मतलब क्लास थ्री वाले का बैग है, तो मतलब थ्री यहाँ आएगा इसमें यहाँ, और कुंदन अगर यहाँ रखते तो थ्री कहाँ जाता, थ्री तो आ ही ना पाता, इसीलिए कुंदन को हमने कहाँ रखा है, नीचे, ठीक है, ठीक है। अब ये वाली मैं एक बार दोबारा समझाती हूँ, नरेश और सौरभ वाली कौन सी थी, देखो क्या बोल रहे हैं, सौरभ बैग वॉज केप्ट इमिजिएटली बिलो नरेश, ठीक है, नरेश के इसमें बनाती हूँ मैं, देखो नरेश के इमीडिएटली नीचे किसका बैग है, सौरभ का, ठीक है सौरभ का है। उसके बाद इन्हीं से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो कि हमारी कनेक्ट हो पाए, स्टूडेंट इन क्लास वन केप्ट हिज बैग थ्री रैक्स बिलो नरेश, थ्री रैक्स बिलो नरेश के नीचे किसका बैग रखना है, क्लास वन का, तो 1 2 3 मतलब यहाँ पर जो होगा ये क्लास वन होगा, वन का स्टूडेंट होगा जो भी होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखते हैं, इसी से देखते हैं नरेश और सौरभ वाली कोई होगी इन्फॉर्मेशन, तो फोर बैग्स हैं अबव द बैग ऑफ संतोष, सौरभ बैग वाज इमीडिएटली स्टूडेंट थ्री बॉक्स, सीनियर मोस्ट स्टूडेंट अमंग देम कैप्टन, फोर बैग्स मुकेश एंड कुंदन, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 टॉप दिस वे, टू बैग्स हैं रजनीश एंड, देखो एक ये भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे 1 2 3 4 फिफ्थ लास्ट लाइन है, फिफ्थ या सिक्स्थ है,
कैलाश बैग वॉज केप्ट टू रैक्स अबव नरेश बैग, जैसे हमने यहाँ पे बना रखा था, कैलाश जो है ना नरेश के दो बैग्स ऊपर रखा है, तो कैलाश यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देखो एक कंडीशन ये बन रही है हमारी, तो इसमें देखो बॉक्स गिनो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, मतलब हम ऐसे ही एज इट इज सेट कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, करते हैं। देखो अब ये हमारा एक बन गया 1 2 3 4 5 6, यहाँ आएगा 1, सॉरी, ठीक है 6। तो देखो अब ये कंडीशन जो है कैलाश और नरेश वाली, वो यहाँ तो सेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि क्यों कैलाश एक छोड़ के नरेश, फिर सौरभ भी आएगा नीचे, इसका मतलब यही सेट हो पाएगी, इसको एज इट इज यहाँ ही रख देते हैं, कैलाश एक छोड़ के नरेश, उसके बाद सौरभ, सौरभ से एक छोड़ के यहाँ क्लास वन वाला है। ठीक है, सेम यहाँ इस कंडीशन में नहीं आ पाएगी, इस वाली कंडीशन में ही आ पाएगी, कैलाश एक छोड़ के नरेश, सौरभ एक छोड़ के यहाँ क्लास वन, यहाँ क्लास लिखे या शेल्फ लिखे। ठीक है, एक बार देखो हमने ये वाली कंडीशन सेट की, एक बार ये वाली की, आप इस वाली कंडीशन से भी कर सकते थे, अगर आपने ये वाली कंडीशन पहले बनाई है ना, तो आप इसको रख के देख लो, आप पहले ये वाली रख लो उसके बाद मुकेश वाली रख लो। ठीक है, अब देखो ये वाली कंडीशन भी सॉल्व होगी, ये भी सॉल्व होगी, इस वाली को देखे सेट करें, रौनित फिफ्थ क्लास में है और उसके तीन छोड़कर सम्राट है। ठीक है, यही है ना लिखा है, एक बार दोबारा रीड करते हैं, रौनित वॉज इन क्लास फिफ्थ कैप्ट इज बैग फोर रैक्स अबव सम्राट, तो ठीक है सम्राट के फोर बैग सुपर है रौनित, तो देखते हैं कहाँ पर आ सकते हैं, इसमें देखते हैं रौनित फाइव यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 सम्राट आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, यहाँ तो कुंदन बैठा है, यहाँ देखते हैं रौनित 5 1 2 3 सम्राट आ सकता है, रख देते हैं रौनित फिफ्थ क्लास में और यहाँ 1 2 3 सम्राट। ठीक है, क्योंकि नहीं इजिली सॉल्व हो रही है, सेम यहाँ पर रौनित 5 रखे हैं तो 1 2 3 सम्राट नहीं आ पाएगा, यहाँ कुंदन बैठा है, तो रौनित फिफ्थ क्लास। ठीक है, सेल्फ वन वालों की क्लास यहाँ है, सेल्फ टू वालों की क्लास यहाँ है। ठीक है, और यहाँ आ गया हमारा सम्राट। ठीक है, देखो एक कंडीशन क्या बोली हुई है इन्होंने, सीनियर मोस्ट स्टूडेंट अमंग देम केप्ट हिज बैग इन सेल्फ वन। ठीक है, सेल्फ वन में ना सीनियर मोस्ट, और सीनियर मोस्ट कौन है, क्लास वन से लेकर ट्वेल्थ क्लास है हमारे, तो सीनियर क्लास कौन सी हुई, ट्वेल्थ ही क्लास हुई ना, तो ट्वेल्थ क्लास में जो भी है वो शायद सेल्फ वन में है। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन सॉल्व होगी हमारी, ये भी कट करते हैं। अब क्या बोला था एक जगह उन्होंने कि मुकेश और रजनीश के बीच में दो है, तो दो छोड़कर रजनीश यहाँ आ जाएगा हमारा, यहाँ भी दो छोड़कर रजनीश यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, देखो एक कंडीशन ये लिखी है इन्होंने, ये जो 11 वाली है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th kept his bag at the top and immediate above the bag of student in class 10th। अच्छा, देखो 11th वाला जहाँ भी है ना टॉप पे है, मतलब बॉक्स के टॉप पे है, मतलब यहाँ यहाँ होगा, यहाँ होगा या तो फिर यहाँ होगा, और 11th के जस्ट नीचे 10th आना चाहिए, क्योंकि 10th के जस्ट ऊपर 11 वाला है। आ रहा है समझ आपको क्या बोल रहे हैं? ठीक है, 10th के जस्ट ऊपर 11 वाला है और 11 वाला टॉप में ही बैठा है, मतलब हमें एज इट इज ही सेट करना है, 11 को टॉप में ही करना है। देखो 11 को यहाँ लेंगे तो नीचे 10 ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, इसका मतलब 11 यहाँ, 10 यहाँ, 10th क्लास यहाँ, 11 लेंगे 10 नहीं सेट कर पाएंगे, तो 11 यहाँ 10 यहाँ। देखो दोबारा समझाती हूँ मैं क्या बोल रहे हैं, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 केप्ट हिज बैग एट द टॉप, मतलब जो भी 11th क्लास में है उसने अपना बैग जो है टॉप पे रखा है, टॉप बॉक्स, तो ये टॉप है, लोअर है, ये तो पता है ना, और जस्ट जो है ना उसके नीचे क्या बोला है, एट द टॉप एंड इमीडिएट अबव, और किसके ऊपर रखा है, 10 वाले के ऊपर रखा है, मतलब इसके जस्ट नीचे होगा 10 वाला, ऐसे। ठीक है, चलो अब क्या बोल रहे हैं, ववेश केप्ट हिज बैग इन सेल्फ टू, ववेश जो है सेल्फ टू में है, तो ववेश यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर, और इसमें यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, बाद में देखते हैं, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, गुंजन बैग वॉज केप्ट अबव हिमेश, अच्छा गुंजन का बैग जो है ना अबव हिमेश है, ये देखते हैं, कुंदन वॉज जूनियर देन गुंजन, सौरभ स्टूडेंट इन क्लास 1 3 बैग्स नरेश, ठीक है 4 बैग्स है कुंदन, और ये 2 बैग्स मुकेश एंड रजेश, 3 केप्ट हिज बैग इमीडिएट अबव कुंदन बैग्स, ठीक है, और स्टूडेंट ऑफ क्लास ववेश बैग वॉज केप्ट, अच्छा ववेश बैग वॉज केप्ट 2 रैक अबव द रैक ऑन विच स्टूडेंट
फ्रॉम क्लास सेवेंथ केप्ट हिज बैग, मतलब ऐसे देखो यहाँ दिख रहा है ना, देखो ववेश वाला जो है ना टू बॉक्स ऊपर है सेवेंथ क्लास वाले के, ऐसे होगा। तो ववेश यहाँ पर आया इस वाली कंडीशन में, यहाँ पर हम सेवन सेट कर पाएंगे? देखो एक छोड़कर सेवन नीचे तो आ ही नहीं पाएगा, मतलब ये कंडीशन गलत। अब ववेश सेल्फ टू में है इतना हमें पता है, ठीक है। ववेश एक छोड़कर सेवन्थ आएगा क्योंकि सेवन्थ क्लास के टू बॉक्स ऊपर ववेश है। तो देखो ववेश यहाँ आएगा, अगर ववेश जो भी है ये, ठीक है, एक छोड़ के सेवन्थ नीचे तो नहीं आ पाएगा, यहाँ तो तीन है, यहाँ आएगा ही नहीं ववेश क्योंकि सेवन क्लास वाला नहीं एडजस्ट हो पाएगा। इसका मतलब एक ही कंडीशन दिख रही है, ववेश एक छोड़कर सेवन, ठीक है। अब देखो एक कंडीशन थी वो वाली, गुंजन वॉज कैप्ट अबव हिमेश, गुंजन जो है ना हिमेश के ऊपर है, मतलब गुंजन हिमेश के ऊपर है तो वो यही कहीं यहाँ ही होंगे, क्योंकि देखो नोट में उन्होंने ये बता दिया था कि अगर ये मैंने आपको पहले क्लियर किया कि अगर कोई किसी के ऊपर है तो उसका मतलब अगर जैसे बी जो है डी के नीचे है और डी जो है अगर बी के ऊपर है ये मान लो, तो वो एक ही शेल्फ में होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि डी यहाँ और बी यहाँ है, या तो बी यहाँ है तो डी यहाँ है, ऐसे नहीं होगा, वो एक ही सेल्फ में होगी। तो गुंजन जो है हिमेश के ऊपर है, ठीक है, गुंजन हिमेश यहाँ। अब कौन बच गया, जो बच गया वो यहाँ ही आएगा, पर रह कौन गया, संतोष। देखो लास्ट वाली लाइन में लिखा है फोर बैग्स वर कैप्ट अबव द बैग ऑफ संतोष, तो संतोष ही आएगा यहाँ, संतोष के ऊपर चार बैग होने चाहिए, देख लेते हैं 1 2 3 4 संतोष और नाइन्थ क्लास में, ठीक है। अब देखते हैं, अब हम इन्हें इनकी क्लासेस सेट करते हैं, क्या रह गया हमारा, रोनित वाज इन क्लास फिफ्थ कैप्ट हिज बैग फोर बैग्स अबव फोर अबव सेवन, गुंजन बैग वाज कैप्ट अबव, कुंदन वाज जूनियर देन गुंजन, कुंदन जो है ना गुंजन से जूनियर है, अच्छा ठीक है, ये हम ध्यान रखेंगे। और एक चीज हमें ये भी तो पता थी ना, शेल्फ वन वाले में ट्वेल्थ क्लास वाला बैठा है, ये भी पता है हमें, ठीक है। स्टूडेंट ऑफ इलेवेंथ इज टॉप वेज टू बॉक्स है, स्टूडेंट ऑफ क्लास थ्री इज इमीडिएट अबव, और स्टूडेंट ऑफ क्लास टू कैप्ट हिज बैग ऑन द रैक, कैप्ट हिज बैग ऑन द रैक वॉज इमीडिएट अबव द रैक ऑन विच द स्टूडेंट क्लास फोर, मतलब टू वाला जहाँ पे भी है ना जस्ट ऊपर आएगा फोर के, सेकेंड क्लास वाला जस्ट ऊपर आएगा फोर्थ क्लास वाले के, समझ रहे हो। हाँ तो देखते, तो एक ही जगह दिख रही है टू और फोर के लिए, टू यहाँ फोर यहाँ और तो कहीं नहीं आ सकता, ठीक है। और हमें इतना पता है कि सेल्फ वन वाले में ट्वेल्थ क्लास वाला भी आना है तो ट्वेल्थ यहाँ ही आ सकता है। अब कौन सी क्लासेस बच गई, 1 2 3 4 5 6 बच गई है और 8 बच गई है ना, और गुंजन का क्या बोला था, कुंदन जो है जूनियर है गुंजन से, ये बोला था कुंदन वॉज जूनियर देन गुंजन, गुंजन से जूनियर है कुंदन, तो ठीक है जूनियर है तो ये एट्थ क्लास में हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी तो कुंदन जूनियर हो जाएगी, ये कंडीशन हमारी बन रही है, ठीक है। ये हमारा जो है ना फाइनल अरेंजमेंट बना है, ठीक है। ठीक है कैलाश ट्वेल्थ, रौनित फिफ्थ, नरेश टू, सौरभ फोर्थ, संतोष नाइन्थ, सम्राट फर्स्ट, मुकेश 11, ववेश 10, गुंजन 8, रजनीश 7, हिमेश 3, कुंदन 6, ठीक है। ये जो है ना ये हमारा फाइनल अरेंजमेंट बना है, ठीक है। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल बैंकर्स एवेन्यू, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।